तो दोस्तों अभी हम रामनगर मोर्चा आए हुए हैं और ये कौन सी जगह था बताइए, चंदनपुरा विसरिया था ना, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, थाना आपका रामनगर पड़ता है ना। हाँ। कौन सा इसमें के सांप को पहचानते हैं आप लोग? हाँ, गौमन, गौमन गौमन है। इसमें ना ठीक है, इस तरफ गया है, इस तरफ, हाँ इसी तरफ गया है, इसी तरफ, हाँ ओके है, वही है बस दिखा पर गया। हाँ हाँ, ओके बता दो। हाँ हाँ, प्योर गोमन है, ये एक बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। हाँ कोबरा सही बोला है, फटल नहीं है, इसका पिटवा का किसी ने तो रहा है, बाल कमजोर है तो बोलो संभाल आ गए। दोस्तों ये एक बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि आस्ते आस्ते ये बिल छोटा होने के कारण क्या बाहर निकल रही है, तो अभी हम लोग इसे बाहर निकलने देंगे और मौसम में जैसे परिवर्तन आ रही है ना, तो ये लोग क्या है ठंडे वाले स्थान पे पहुंचेगा। ये देखिए काफी खतरनाक भयानक होता है दोस्तों इसका। आइए हम एक सुरक्षित स्थान पर चलते हैं इसे लेकर के। कितना फीट? लगभग 5 फीट होगा। नहीं, 5 फीट कम होगा, 5 फीट कम होगा। हाँ चलना कहाँ है? रोड पे चलिए, रोड पे, रोड पे। हम इसे एक सुरक्षित स्थान पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये खेत में ऐसा क्या इसका घर था, इसका आसियाना था जो कि अब इसके पास नहीं रहा, वो इसे हम इंसान सुरक्षित स्थान जंगल लेके चलेंगे जहाँ अपना जीवन को सुरक्षित पूर्वक जी सके। और ये कौन सा मंदिर है थोड़ा आपको ये काफी बताइएगा? विषहरी स्थान है क्या? स्नेक बाइट होने के बाद लोग यहाँ आते हैं क्या? तो अभी हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि स्नेक बाइट होने के बाद ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है झाड़फूक के चक्कर में रहते हैं, जान उसी का बचता है जिसको कि जहरीला सांप नहीं काटता है, और जिसको जहरीला सांप नहीं काटता उसका जान बचता, वो क्या करता है पूरे गाँव में हल्ला करता जाकर के, हम गए थे मंदिर गए थे हमारा जान बच चुका है तो आप लोग भी मंदिर जाए। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, कोई भी स्नेक काट ले, कोई भी सांप काट ले। कहाँ जाना है? तो सदर अस्पताल जाना है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जानी है, तभी जान बचेगी। तो दोस्तों गर्मी का मौसम आ चुका है, अपने घर के आसपास क्या थोड़ा बहुत पानी रखिए ताकि कोई भी जीव जंतु पक्षी वगैरह पानी पी सके, क्योंकि गर्मी का मौसम पानी की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो हम प्रयास करते हैं इसे थोड़ा बहुत पानी पिलाने का, देखते हैं। ये जो सांप होता है, सांप क्या ठंडे ब्लड का प्राणी होता है, और जैसे ही धूप में परिवर्तन आती है तो ये अपने शरीर को सेकने के लिए क्या है धूपों में निकल जाता है, तो ज्यादा देर धूप ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो इसे तुरंत ठंडा भी चाहिए, तो इसके शरीर को नियंत्रण करने के लिए इसे पानी की जरूरत होती है, ठंड की जरूरत होती है। कल
तो कभी भी किसी जीव जंतु को मत मारी है ना, हम लोग के पास दो हाथ दो पैर इसलिए दिया गया, किसी का रक्षा करने के लिए दिया गया है ना। तो 24 घंटा सेवा था दोस्तों हमारा। लोगों धन्यवाद कहना चाहेंगे जो कि आप किसी भी जीव जंतु बचाने के लिए हमें कॉल करते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं जंगल इंसानों से दूर, हालांकि घबरा सा गया है यह, अचानक छोटा जो बिल्ली घुसा ना अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, इसके कारण से थोड़ा समस्या हो रही है, या तो फिर हो सकता है जो धूप है धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि सांप का जो स्किन होता है ना हम लोग से बहुत अलग होता है, नहीं ज्यादा धूप बर्दाश्त कर पाएगा नहीं ज्यादा ठंडा बर्दाश्त कर पाएगा। तो आइए दोस्तों हम इसे पैक कर लेते हैं। कभी भी सर पे दर्द हो जाए तो अपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाना है, किसी ओझा को नहीं चक्कर पे मत रहिएगा। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जोर शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आ जाता तो क्या नाम हुआ आपसे? सुरंजन। दोस्तों हम इनको धन्यवाद कहना चाहेंगे और इनका नाम सुरंजन है जो कि चंद्रपुरा रहने वाला है, और हमें दो तीन सांप का रेस्क्यू करके कॉल करके बुलाए थे हम रेस्क्यू करने के लिए, तो इसे हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। और आप लोग भी इसके जैसा बनिए, किसी जीव जंतु को मत मारिए ना। गर्मी का मौसम आ चुका है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, तो अब क्या आपके आसपास ऐसे में जीव बहुत ज़्यादा दिखेगा, ये देखिए। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, ये आस्ते आस्ते क्या अपने नए जीवन जीने के लिए हम सुरक्षित स्थान पे चला आया है, तो अब हम भी चलते हैं घर क्योंकि हमें भूख लग चुकी है। जय हिंद जय भारत।